ये सब लड़े लागल था, लड़ा तो नहीं किया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं महुआ चुनने और देखिए खुशी मम्मी दादी और मम्मी पापा सब है आए हैं। तो देखिए पापा अभी जो पाला सब है यानी पत्ता सब है महुआ का, हाँ साफ कर रहे हैं और हम लोग इधर महुआ बीच रहे हैं। और दोस्तों कमेंट करके आप लोग पूछते थे पहले वाला वीडियो में पूछे थे कि महुआ बीच के क्या करोगे, तो हम लोग दोस्तों महुआ बीच के इसको बेचते हैं और महुआ को आप पता नहीं क्या करते हैं वो तो पता नहीं। तो चलिए हम दादी को पूछते हैं थोड़ा। तो दादी ये महुआ टा किना करा थे के जन को किना करो थी तो बड़ी महंगा में बेचा है, से लो बिछे रखला है जे सुखाई के बेचबो है सही ले बिछई है। ओ तो किना करा थे नहीं जाना है ना? नहीं हम जाना ही किना करो। तो दोस्तों दादी को नहीं पता है लेकिन महंगा में बिकता है इसीलिए इसको हम लोग सुखा के बेचते हैं। तो ले बीच सुखाई के बेच बोल। हाँ तो महंगा जाए सेल है। हाँ महंगा बड़ी महंगा बेचा है सही ले बीच है सर सब्जी के दाम से भी महंगा। हाँ तो हाँ दोस्तों हम लोग सर सब्जी भी उगाते हैं ना, टमाटर अभी 10 रुपया में 2 केजी हो गया है, महुआ हम लोग 1 केजी अगर सुखा के बेचेंगे तो 40-30 रुपया केजी बिकता है, इसीलिए हम लोग बेचते हैं और बेचते हैं। और दोस्तों हम लोग जल्दी ही आते हैं लेकिन हम लोग इधर हाथी का ही ज़्यादा हुलमाल रहता है इसलिए जल्दी हम लोग नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है। और देखिए दोस्तों उधर जंगल दिख रहा है ना, यही जंगल में आज रात भी हाथी आया हुआ था लेकिन इधर हम लोग तरफ इधर नहीं आया और इधर थोड़ा अब नहीं आ रहा है, क्या कि एक इधर बगल वाला ही कुआं में एक हाथी का बच्चा डूब गया था और तब से इधर थोड़ा नहीं आता है, लेकिन ये पिछले साल ही ऐसा हुआ था। और देखिए इधर महुआ गिरा हुआ है। और दोस्तों हम लोग का इधर बिजली विभाग तरफ से एक ट्रांसफार्मर मिला है ये सिंचाई की, देखिए इधर बहुत ज़्यादा महुआ गिरा हुआ है। देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर है जो बिजली विभाग द्वारा से मिला था हम लोगों का, तो यहाँ जो 11,000 का तार है वही नहीं है और सिर्फ ट्रांसफार्मर है बस, और उधर जो एल टी का है वो है। तो दोस्तों हाथी जब आया था ना तो इसी 11,000 का तार वाला एक पोल उस तरफ था तो पोल को तोड़ दिया, उसी टाइम टूट गया था तार सब, तो वो सब को खोल के अभी रख दिए हैं। और वो जो कटहल का पेड़ है ना दोस्तों, तो उसी के सामने कुआं है उसी में हाथी का बच्चा डूब गया था और जितना भी हाथी था इसी में, हम लोग का जैसे ये धान खेत है वो भी धान खेत है तो वो सब में भी धान लगा हुआ था बहुत, तो सभी धान जितना था सब मतलब बर्बाद कर दिया था। और एक नीचे वो एक पेड़ दिख रहा है वो बेल का पेड़ है, उसी के सामने और एक ट्रांसफार्मर है उसी को तोड़ के मतलब वो भी तोड़ दिया और वो अभी वहीं पे पड़ा हुआ है, तो अभी चलते हैं वो भी दिखाएंगे। तो पहले देख लीजिए दोस्तों किस तरह हम लोग का फसल और कुआं में डूबा था हाथी सब, तो वो थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो है वो देख लीजिए। जोर से नहीं बोल ठीक ना, तो दौड़े खून पड़ी जाए आजा गागा आ जा रे गुटल तो आदे वहां पे डर रहता बैठिन 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 देख यहां तक आवाज सुना है जाय रो को रहा मेरा ये सब लड़े लागल था, लड़ा थोड़ी नहीं किया करा, ऐसा चलते धर को उठाए बा है लेकिन बोला करा करे हवा आते लेकिन हां ऐसा कि धर को उठाए बा है छुआ छुआ लाई कौड़ा कटे तुम ज्यादा चढ़ा ना कहे तो हम आवले भाष का डर कोई पाटो उठियो बाकी कौन करते न बोल वो तो जे डूब ला तक कर जंगे जा तो ने वहां तक कौन भाग ला भाग दोस्तों हम उसी जगह में आ गए हैं और देखिए वही कटहल का पेड़ है जो वीडियो में दिख रहा था, तो ये वाला वो कटहल का पेड़ है, यही सब हम लोग का खेत है, इसी सब में सबसे ज़्यादा फसल नुकसान किए थे। और यहाँ पे देखिए यही कुआं है जिसमें हाथी का बच्चा गिरा हुआ था,
तो अभी इन लोग का ही कुआं पड़ता है, इन लोग का लोग अभी इसको पाट दिए हैं और जो पोल तोड़े थे वो पोल यहाँ पे थोड़ा बैठा दिए हैं, क्योंकि तोड़ के अभी छोटा कर दिया था तो यहाँ थोड़ा अच्छा हो जाता है पानी उन्हें खींचने में सुविधा। तो देखिए यही कुआं में डूबा हुआ था। और दोस्तों ये जो केला का पौधा है इसी के सामने केला का बड़ा बड़ा पौधा हुआ करता था, तो इसी के खाने के दरमियान में हाथी का बच्चा यहाँ पे गिर गया था और हाथी सब पूरा धसका के मतलब इसको पूरा भाँप दिया था। तो फिर बाद में नीति निकाल के इसको पाटा हुआ है और जो कैसे गिरा था उसको हम लोग उठा रहे थे तो वो भी थोड़ा सा वीडियो है, वो भी देख लीजिए। ये गोड़वाइन कैसा निकला है, तो दोस्तों कैसे उठाए थे वो तो आप लोग देख लिए। और जो बच्चा को हम लोग उठाए थे उसको इसी दिशा में हम लोग ले गए थे और यही वाला बेल का पेड़ है तो ये फरता है तो अभी खाते हैं, लेकिन उस टाइम थोड़ा उस टाइम नहीं फरा था क्या कि धान का सीजन था तो इधर से ही ले गए थे। और हाथी का ये दोस्तों हाथी सब का कितना दिमाग होता है कि यहाँ जो तार था ना पोल में जो तार लगा था तो इसमें बिजली नहीं था, बिजली रहता तो फिर सारा हाथी को मार देता। तो इसमें है कि सिर्फ तार और बिछा हुआ था, पावर चालू नहीं हुआ था, तो उसी टाइम यहाँ पे पोल लगा था तो जो तार था उसी को खींच के जितना पोल था ट्रांसफार्मर था सभी को तोड़ दिया था और यहीं से हम लोग का उधर ट्रांसफार्मर में गया था वहाँ पे, तो वो तार भी तोड़ के जितना भी तार था सभी को खींच के उसी कुआँ में डाल दिया था। तो देखिए ट्रांसफार्मर का क्या हाल कर दिए थे, तो देख सकते हैं पूरा तोड़ ताड़ के पूरा बिगाड़ दिए हैं। और इधर ही मतलब बहुत पहले बहुत आता था लेकिन जब से इस कुआँ में डूब गया ना हाथी तब से ये अगल बगल के एरिया में नहीं आ रहा है, और आता है तो देखिए उधर एक भाटा में आग लगा है तो वही वाला जंगल से उधर से ही उधर चला जाता है और अभी भी इसी जंगल में है, इसीलिए हम लोग रात को इधर नहीं आते हैं और निकलते भी नहीं हैं। तो देख लीजिए क्या हाल कर दिया है ट्रांसफार्मर का। और चलते हैं अब थोड़ा फिर महुआ बीछना है तो वहीं पे। तो दोस्तों फिर आ गए हैं महुआ बीछने और देखिए ये वाला दोबारा बीछे हैं, फिर कितना सा गिर गया है देखिए, अभी फिर बीछ रहे हैं। और अभी मुकेश भी आ गया है बकरी लेके, देखिए उधर बकरी सब चर रही है, महुआ खा रही है, मतलब महुआ में बहुत जुल्म करती है। और दोस्तों हाथी का बच्चा किस तरह उठाए थे वो तो देखिए, लेकिन हाथी के बच्चा के साथ हम लोग कैसे खेल रहे थे तो वो भी थोड़ा देख लीजिए। हमीर पास लड़ाई देख लिए दोस्तों कैसे चल रहे थे, उसके बाद हाथी के बच्चा को छोड़ दिए, उसके बाद हाथी के साथ वो बच्चा चले गए। और अभी अभी जो बगल का जो जंगल दिखा है ना, तो जंगल में कितना सारा हाथी आया है उसका भी एक वीडियो सामने आया है तो अभी थोड़ा देख लीजिए। दोस्तों हम लोग का मोहर बिछल हो गया है, वो सब पेड़ बीच लिए हैं और देखिए उस तरफ अभी दादी बीच रही है तो दोबारा गिरा है इसलिए। हाँ तो उसमें ज़्यादा गिरा नहीं है तो दादी बीच के अभी आ जाएगी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर। तो खुशी देखो अभी आई हुई है ना खुशी, हाँ ऐसे कर रही है जाने के लिए, ऐसे कर रही है तो मेरे पास आने के लिए आ जाओ। अरे अरे बाबा अरे बाबा, तो चलो तो चलिए दोस्तों खुशी अब मेरे पास आ गई है, अब चलते हैं घर और करना है कुछ काम सब। और देख लिया दोस्तों कैसे हम लोग तरफ हाथी आता है और हाथी का खौफ हम लोग का अधिकतर ज़्यादा लगा रहता है, क्या है कि रात अंधार को निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए हम लोग रात को सुबह ही मतलब सुबह को लेट में उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। तो चलिए इसी तरह मतलब हम लोग का जंगल आस पास है तो बहुत मतलब हाथी सब आते रहता है इसलिए डर लगा रहता है क्या जी। हाँ लो 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 गिर रही है,
और देखिए दोस्तों बना के सो जाते हैं। हाँ और देखिए साड़ी साफ की थी, सो उड़ के कहाँ चल गया था उधर। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।